मगरमच्छ को पानी का आतंक माना जाता है, जो एक बार इसके जबड़े में फंस गया उसका बचना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। धरती पर आज तक भी जितने भी रेप्टिलाइज हुए हैं उनमें सबसे खतरनाक वाइट फोर्स मगरमच्छ का ही होता है। जंगल में तो हर घड़ी जान का खतरा बना ही रहता है, मगर पानी पीते वक्त इस आपत का ध्यान आपने नहीं रखा तो फिर कभी ध्यान रखने लायक छोड़ेगा नहीं। फिर चाहे शेर हो या हाथी हो, बड़े बड़े खूंखार जानवरों का भी शिकार कर लेता है मगरमच्छ। मगर ऐसी बात नहीं है कि मगरमच्छ की हमेशा ही जीत होती है, कभी ऐसे मौके भी आते हैं जब ये खतरनाक शिकारी खुद शिकार हो जाता है। इस वीडियो में देखिए कैसे ये जैगुआर तेजी से दौड़ता हुआ पानी में छलांग लगा देता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका आज नहाने का मन कर रहा है, जबकि ये तो मगरमच्छ को अपना शिकार बनाने के लिए पानी में कूदा है। जी बिल्कुल, इस बार मगरमच्छ ने नहीं बल्कि जैगुआर ने मगरमच्छ से पंगा लिया है और इतिहास गवाह है, जैगुआर मगरमच्छ से कभी नहीं हारा। इस लड़ाई का अंत भी कुछ इसी तरह होना है। जैगुआर ने मगरमच्छ को गर्दन से दबोच रखा है और तब तक पकड़े रखा है जब तक के मगरमच्छ के प्राण अकेरू नहीं उड़ गए। उसके बाद उसे खींचते हुए उसे पानी से बाहर ले आया। पानी के इस दानव को फर्क नहीं पड़ता कि तालाब में आने वाला शिकार कोई छोटा जानवर है या फिर कोई हाथी। पानी का ये शिकारी दानव किसी से नहीं डरता और हाथी जैसे बड़े जानवर पर भी हमला करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो इतना तो समझता है कि हाथी के शरीर का सबसे कमज़ोर अंग उसकी सूंड है और इसलिए वह उसी पर हमला करता है और ज़्यादातर हाथी के बच्चों पर घात लगाता है। मगर हाथी से पंगा लेना इतना भी आसान काम नहीं है, ऐसे में कभी कभी मगरमच्छ के दांव उल्टे भी पड़ जाते हैं और वो अपनी बेइज्जती करवा बैठता है। अब यहीं पर देख लीजिए, जब इस मगरमच्छ ने हाथी की सूंड पर हमला बोला तो हाथी ने सूंड से ही उसे उठा उठा कर पटक दिया। टाइगर से पंगा लेना तो किसी भी जानवर के लिए भारी पड़ सकता है, फिर चाहे वो मगरमच्छ ही क्यों ना हो। आज तक मगरमच्छ और टाइगर के बीच जितनी बार भी जंग हुई है हमेशा टाइगर ही जीता है, क्योंकि टाइगर का जो एक मास्टर स्ट्रोक होता है वो मगरमच्छ को एक बार में चित कर देता है। टाइगर हमेशा मगरमच्छ की गर्दन पर पीछे से वार करता है और उसे चीड़ फाड़ देता है। लड़ाई भले पानी में हो या फिर जमीन पर, टाइगर हमेशा ही मगरमच्छ पर भारी पड़ता है। ऑटर, जिसे हिंदी में उद्विलाव कहते हैं, क्यूट सा देखने वाला ये जानवर अपनी हरकतों से बिल्कुल भी क्यूट नहीं कहा जा सकता। पानी में रहते हुए ये ऑटर कभी कभी मगरमच्छ को भी शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा झुंड में हमला करते हैं और इसलिए मगरमच्छ पर भारी पड़ते हैं, फिर चाहे जमीन हो या पानी। मगरमच्छ कभी भी आगे रहकर ऑटर का शिकार करने नहीं जाता, मगर अक्सर ऑटर्स का शिकार हो जाता है। ये ऑटर्स मिलकर बेचारे मगरमच्छ को बहुत परेशान करते हैं। मगरमच्छ की ही तरह पानी में एक और विशालकाय जीव रहता है, हिप्पो। ज़्यादातर वक्त यही देखा गया है कि ये दोनों आपस में ज़्यादातर टकराते नहीं, क्योंकि मगरमच्छ की सबसे बड़ी ताकत पानी में होने वाली लड़ाई है, मगर हिप्पो के साथ उसे ये एडवांटेज नहीं मिल पाता और इसलिए हिप्पो को शिकार बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यही देख लीजिए, एक बेचारा मगरमच्छ इस तरह हिप्पो के झुंड में फंस गया और ये हिप्पो मिलकर उसे फुटबॉल समझकर इधर उधर उछाल रहे हैं। मगरमच्छ की ऐसी बेइज्जती आज से पहले शायद ही किसी ने देखी होगी।